नमस्कार दोस्तों, रिम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन टॉपिक की जो बात कर रहे हैं वो दोस्तों आयतन की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम पढ़ेंगे दोस्तों, तो वॉल्यूम को समझना अच्छे से। सबसे पहले अपन इसमें दोस्तों बात करते हैं घनाभ की। सबसे अपन इसमें किसकी बात करेंगे दोस्तों? घनाभ की। तो आपको पता होना चाहिए पहले दोस्तों की घनाभ होता क्या है। दोस्तों आयत से मिलकर बना होता है घनाभ। घनाभ क्या है? आयत से मिलकर बना होता है। ये घनाभ की आकृति है जो आपको दिख रही है, किसकी आकृति है? घनाभ की आकृति है। अब इसमें देखो ध्यान से, इसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि कितने पृष्ठ हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो, एक आयत, एक घन जो होता है उसमें जो अपन सांप सीढ़ी जो खेलते हैं वो अपन घुमाते हैं पासा दोस्तों, उसमें कितनी साइड होती है? छह साइड होती है। तो इसमें छह साइड होती है दोस्तों। कितनी सतह होती है? कितने पृष्ठ होते हैं? इसमें छह सतह होती है दोस्तों। सीधा सीधा इसमें छह सतह होती है। इसमें कितनी भुजा होती है? भुजा आपसे पूछी जा सकती है कि इसमें कितनी भुजा होती है। तो इसमें देखो ध्यान से, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा तो ये, और दोस्तों एक आयत तो रहा, ये रहा तो चार, ये रही चार ही भुजा, ये रही तो चार, चार आठ, चार बारह भुजा हो गई दोस्तों। इसमें कितनी भुजा हो गई? बारह भुजे। अब तीसरी बात आती है इसके कोने की, कि इसमें कितने कोने हैं, कॉर्नर कितने हैं दोस्तों इसमें। तो देखो आपको दिखाता हूं कितने कॉर्नर है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात और आठ। तो दोस्तों इसमें कितने कोने हैं? आठ कोने हैं, आठ कोने। ये प्रश्न, इसको सत्ता भी अपन बोल सकते हैं। देखो ध्यान से, एक घनाभ में कितनी सत्ता होती है दोस्तों? तो एक घनाभ में छह सत्ता होती है। कितनी भुजा होती है? तो बारह भुजा होती है। और कितने कोने होते हैं? तो आठ कोने होते हैं दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं घनाभ का। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों। दो इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये इसका क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। क्योंकि देखो समझा देता हूं, इसमें क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीन चीज होती है दोस्तों। संपूर्ण पृष्ठ घनाभ में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो पहले लंबाई को चौड़ाई से गुणा करना है, बाद में चौड़ाई को ऊंचाई से, और फिर ऊंचाई को लंबाई से, और उसको दो से गुणा कर देना है। तो ये आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा होता है दोस्तों घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा दोस्तों? मैंने कहा यह आयत से मिलकर बना होता है, तो आयत का जो विकर्ण होता है दोस्तों वो लंबाई स्क्वायर इंटू सॉरी लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होता है। तो उसी प्रकार घनाभ का जो विकर्ण होगा वो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर होगा दोस्तों। लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। और तीसरे बात करते हैं अपन इसकी वॉल्यूम, इसके आयतन की। तीसरी चीज इसके दोस्तों किसकी बात करते हैं? आयतन की अपन बात करें तो दोस्तों घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इन तीनों को उतार लो अच्छे से, फिर इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। अब मैं एक क्वेश्चन की चर्चा करता हूँ, आपको क्वेश्चन बताना दोस्तों कि कोई घनाभ है जिसकी लंबाई तो दोस्तों 10 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई है वो 8 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बनता है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पहला क्वेश्चन है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा आपसे इसमें क्या पूछा जा सकता है? इसका विकर्ण ज्ञात करो, इसका विकर्ण ज्ञात करो। और तीसरा इससे क्या पूछा जा सकता है? इसका आयतन ज्ञात करो, इसका आयतन ज्ञात करो। एक घनाभ की लंबाई दोस्तों 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब आपको पता है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? दो इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये होता है। तो यहां देखो, दो इंटू लंबाई और चौड़ाई को गुणा करना है, मतलब 10 को 8 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 80 आएगा। प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई को, तो 8 को इससे गुणा करूंगा तो 48 आएगा। प्लस दोस्तों प्लस कितना आएगा? 6 को 10 से गुणा करूंगा तो 60 आएगा। अब इनको जोड़ लो,
तो 60 और 80 दोस्तों 140, 140 और 48 188, 188 को मैं कितने से गुणा करना है, दो से गुणा करना है दोस्तों। तो कितना आएगा, 8 × 16, 8 × 16 = 17, 2 × 2 = 3। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 376 आ जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपने अच्छे से निकाल दिया, जो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। दूसरा देखो, इसमें आप क्या पूछा है दोस्तों, दूसरा आप में उससे विकर्ण पूछा है। विकर्ण मैंने आपको बताया, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर और प्लस क्या होता है, ऊंचाई का स्क्वायर होता है, ये इसका विकर्ण होता है। तो लंबाई का स्क्वायर मतलब दोस्तों लंबाई 10 और 10 का स्क्वायर 100 प्लस 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 6 का स्क्वायर 36 स्क्वायर दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा, 36 और 64 200 हो जाएगा दोस्तों, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, 100 × 2 लिख सकते हैं। 200 को क्या लिख सकते हैं, 100 × 2, और 100 यदि मैं रूट के बाहर लेके आना चाहूं तो दोस्तों 100 को रूट के बाहर लाऊंगा तो 10 √2 इसका राइट आंसर है। कौन से का क्या पूछे, जब आपसे विकर्ण पूछे विकर्ण पूछे। तीसरा देखो, आयतन, आयतन क्या होता है दोस्तों, L × B × H मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये इसका आयतन होता है। तो यहाँ पर L का मान दोस्तों 10 है, B का मान 8 है और H का मान 6, गुणा कर लो इनको, 8 × 6 = 48 = 80 कितना हो जाएगा दोस्तों, 480 इसका आयतन हो जाएगा। मतलब इससे रिलेटेड मैंने तीनों क्वेश्चन आपको समझा दी, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका विकर्ण और इसका आयतन। अब आप इन क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हैं। तो पहले एक बार ये क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है इसको अच्छे से उतार लो। चलो देखो, समझना आप ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। अब क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन ये लो, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। एक डिब्बे की माप है वो 10 × 8 × 6 है, एक डिब्बे की माप है वो 10 × 8 × 6 है मीटर है। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ पर 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रंग करवाने का खर्चा क्या होगा। अब सुनो ध्यान से, एक डिब्बे की माप आपको दे रखी है, उसके संपूर्ण पृष्ठ पर दोस्तों आपको पेंट करवाना है और पेंट 2 रुपए वर्ग मीटर लगेगा दोस्तों। तो पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पता होना चाहिए, उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पता होना चाहिए दोस्तों। तो क्षेत्रफल अपन निकाल सकते हैं, क्या होगा, 2 × लंबाई × चौड़ाई प्लस चौड़ाई × ऊंचाई प्लस ऊंचाई × लंबाई होता है। तो यहां देखो 2 × लंबाई चौड़ाई को गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, प्लस इसको इससे गुणा करूंगा 48, अभी आप पढ़ गए हैं क्वेश्चन, और प्लस में दोस्तों इसको इससे गुणा करूंगा तो 60 हो जाएगा। इनको अपन जोड़ देंगे तो वही 188, और 188 को मैं दोस्तों कितने से गुणा करूंगा, 2 से गुणा करूंगा, तो आएगा 8 × 16 = 17, 376 आएगा दोस्तों, 376। अब 376 जो आया वो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है। अब प्रति वर्ग मीटर दोस्तों 2 रुपए लग रहे हैं, तो इसको कितने से गुणा करना है, प्रति वर्ग मीटर 2 रुपए लग रहे हैं तो इसको 2 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 6 × 12, 7 × 14 = 15, 3 × 6 = 7। तो दोस्तों कितने रुपए लगेंगे, टोटल 752 रुपए लगेंगे, टोटल 752 रुपए लगेंगे। इस प्रकार अपन इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, यदि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं, आओ अगला क्वेश्चन ये देखो। अब ये अनुपात में आ गया, इसमें क्या करें दोस्तों, देखना इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, कि किसी घनाभ की भुजाओं का जो रेशियो दे रखा वो 3:2:1 दे रखा है। किसी घनाभ की भुजाओं का जो अनुपात है वो 3:2:1 है। यदि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों 88 वर्ग सेमी है, यदि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 88 वर्ग सेमी है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। यदि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेमी है तो घनाभ का आयतन क्या होगा दोस्तों, ये आपसे पूछा है। अब मेरे प्यार दोस्तों, घनाभ का आयतन पता लगने के लिए हमें जैसे आयत में हमें लंबाई और चौड़ाई चाहिए, उसी प्रकार हमें घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए, ठीक। अब यहाँ इस क्वेश्चन में आपको किसी घनाभ की भुजाओं का रेशियो दे रखा है, तो देखो डायरेक्ट आप रेशियो दे रखा दोस्तों, तो रेशियो से अपन कैसे निकालेंगे, अब समझाता हूं आपको, समझना ध्यान से। 3:2:1 इनकी भुजाओं का अनुपात दे रखा है, तो अपन इसके साथ अक्ष लगा लेते हैं। तो मैं उसकी मान लेता हूं, एक भुजा 3 अक्ष है, एक भुजा 2 अक्ष है और एक भुजा अक्ष है, और इसका आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा, तो 2 ×
लंबाई इंटू चौड़ाई दोस्तों, मतलब इनको दोनों को गुणा करेंगे, प्लस इसको इससे गुणा करूंगा तो 2x² आएगा, और प्लस इसको इससे गुणा करूंगा तो 3x² आएगा, जिसका मान मेरे प्यारे दोस्तों आपको कितना दे रखा है, 88 दे रखा है, जिसका मान आपको कितना दे रखा है, 88 दे रखा है। क्या मैं इस 2 से ही काट सकता हूं? हाँ जी काट सकते हैं, कितनी बार, 44 बार। इधर देखो प्यारे दोस्तों, 6 और 2 8 8 3 11 दोस्तों, 11x² = 44 है, तो ये बराबर में गुणा में, इसलिए ये भी मैं काट सकता हूं, तो अक्ष स्क्वायर बराबर 4 है, लेकिन हमें तो मान चाहिए अक्ष का दोस्तों, अक्ष स्क्वायर का नहीं चाहिए, तो अक्ष बराबर इस 4 का क्या कर देंगे अपन, 4 का क्या कर देंगे, 4 का क्या कर देंगे दोस्तों, रूट कर देंगे, तो अक्ष बराबर कितना आ जाएगा, अक्ष बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, अक्ष बराबर 4 का रूट अपन कर देंगे तो 2 आ जाएगा, ये अक्ष का मान है दोस्तों, ये इसमें रखो वापस, मतलब या मैं रखता हूं दोस्तों 3 को 2 से गुणा करूंगा तो 3 × 6, 2 को 2 से करूंगा तो 4, और 2 को 1 से करूंगा तो 2, मतलब क्या दोस्तों, इस आयत की लंबाई जो आई है वो 6 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर। अब आपसे क्या पूछा है, आयतन पूछा आयत का, और आयत का आयतन क्या होता है दोस्तों, आयत घनाब का आयतन क्या होता है प्यारे दोस्तों, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, तो यहाँ घनाब की लंबाई दे रखी है आपको 6 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 4 मीटर, और ऊंचाई दे रखी है 2 मीटर, तो 6 × 24 = 24 कितना हो गया, 48 वर्ग सेमी दोस्तों, या घन सेमी, सॉरी 48 घन सेमी इसका राइट आंसर होगा, ये सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। बोलो थोड़ा बहुत समझ में आया, अब क्या कर सकते हो, इसको बस ये अनुपात में दे दिया, सेम वैसे ही है जैसे आपको मैंने अनुपात देकर आयत का परिमाप बताया था, उसी प्रकार इसमें अनुपात दे दिया और आपको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया, वहां से अपन x का मान निकाल लेंगे और इसमें रखेंगे तो आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ जाएगी और उसका आयतन आपसे पूछा, ये लो उतार लो इसको, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाद में अच्छे से और उतार सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, ये लो इसको समझना ध्यान से, 10 मीटर 10 मीटर और 5 मीटर विमाव वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी। तो मेरे प्यार कमरे में जब इसकी छड़ की लंबाई रखेंगे तो सबसे बड़ी कैसे आ सकती है, जब विकर्ण तर रखते हैं, याद रखना जब विकर्ण तर रखते हैं, उसका विकर्ण रखते हैं तो दोस्तों उसमें सबसे लंबी छड़ आ सकती है, मतलब इसका हमें क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। अब देखो लंबाई का स्क्वायर मतलब दोस्तों 10 का स्क्वायर 100 प्लस चौड़ाई का स्क्वायर भी 100 और प्लस 5 का स्क्वायर 25 दोस्तों, 100 100 200 200 225 और 225 किसका होता है दोस्तों, 15 का होता है, तो इसमें 15 मीटर की लंबाई रखी जा सकती है दोस्तों, सबसे बड़ी लंबी होगी वो 15 मीटर की होगी, बस याद रखना कि सबसे लंबी छड़ पूछे तो आपको उसका विकर्ण निकालना है, तो इसमें आपको क्या निकालना दोस्तों, विकर्ण निकालना है। अब कर सकते हो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं एक क्वेश्चन और लगाते हैं इस टाइप का दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और बताओ इसका आंसर क्या है, ये जो क्वेश्चन चल रहा है आपकी स्क्रीन पर इसका आंसर बताओ। एक घनाभ की माप 20 मीटर 10 मीटर और 8 मीटर है, एक घनाभ की माप है वो 20 मीटर 10 मीटर और 8 मीटर, मतलब क्या हुआ, लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है और ऊंचाई 8 मीटर है, इसमें 4 मीटर माप के रखे जा सकने वाले डिब्बों की संख्या बताओ। देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये हमेशा आयतन पे डिपेंड करता है, ध्यान रखना, मतलब जो बड़ी भुजा दे रखी है उसमें छोटे वाले भुजा का आयतन का भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो घनाभ का आयतन क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, ठीक है, और मेरे प्यारे दोस्तों ये जो डिब्बा दे रखा आपको 4 मीटर माप का, इसका आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 मीटर माप का इसमें डिब्बा दे रखा है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही होगा, और बड़े वाले में से छोटे वाले आयतन का भाग देंगे तो छोटे छोटे डिब्बों की संख्या आ जाएगी दोस्तों, तो इसमें 4 से काटेंगे 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 4 × 8 दोस्तों, और 2 से कट जाएगा 2 बार, 2 से कटेगा कितनी बार, 5 बार, 5 को 5 से गुणा करूंगा तो 25, तो उसमें रखे जा सकने वाले डिब्बों की संख्या कितनी होगी, 25। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है तो वो उनके आयतन वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, इसको उतार लो अच्छे से, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट अपन दोस्तों बात करते हैं घन की। क्यों घन की बात करते हैं दोस्तों? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, संपूर्ण जैसे आपका घनाभ जो बना था दोस्तों वो आयत से मिलकर बना था, उसी प्रकार आपका घन जो बनता वो वर्ग से मिलकर बनता है। तो वर्ग क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं समान हो, तो घन की भी सभी भुजाएं क्या होगी? समान होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, घन का जो क्षेत्रफल होता है तो आपका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे? भुजा स्क्वायर और घन में छह सत्ता होती है, तो दोस्तों छह से गुणा कर दो तो छह इंटू भुजा स्क्वायर। दूसरा अपन बात करते हैं इसके विकर्ण की दोस्तों। तो घन का विकर्ण हमें निकालना, तो वर्ग का विकर्ण होता है दोस्तों रूट दो इंटू भुजा, तो घन का विकर्ण हो जाएगा रूट तीन इंटू भुजा, रूट तीन इंटू भुजा। और दोस्तों इसका आयतन यदि अपन बात करें तो आयतन क्या होगा दोस्तों? घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। उतार लो इन तीनों को, इनको और उतार लो। बता देता हूं आपके एग्जाम में तो सीधा फोर सीधा आपसे ये फॉर्मूले पूछे जाते हैं, सीधे डायरेक्ट ये फॉर्मूले पूछे जाते हैं दोस्तों। कभी कभार क्वेश्चन आता है लेकिन सीधे ये फॉर्मूले पूछे जाते हैं जो आप आराम से कर सकते हैं। तो इनको उतारो, फिर इससे रिलेटेड भी अपन क्वेश्चन करते हैं। चलो अब देखो, समझना ध्यान से। अब सीधा सीधा क्वेश्चन आपको दे दें कि यदि किसी वर्ग की भुजा, सॉरी यदि किसी घन की भुजा आपको दे दे, घन की भुजा आपको दे दे दोस्तों 8 सेंटीमीटर, घन की भुजा आपको दे दे 8 सेंटीमीटर, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, इसका विकर्ण ज्ञात करो और इसका आयतन ज्ञात करो। ये तीनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों सीधा सीधा, कि इसका क्या क्या ज्ञात करना आपको। भुजा आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है, किसकी? घन की भुजा 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसका आयतन ज्ञात करना, इसका विकर्ण ज्ञात करना और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताया कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो इसमें 6 और भुजा की जगह दोस्तों कितना है? 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। गुणा करेंगे अपन तो 6 चौक 24 हासिल, 2 6 6 36 और 2 38, तो इसका दोस्तों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आएगा 384। दूसरा दोस्तों इसके विकर्ण की बात करता, तो विकर्ण होता है रूट तीन इंटू भुजा, तो भुजा दोस्तों 8 है, 8√3 इसका विकर्ण हो जाएगा। और तीसरा इसका आयतन क्या होता है दोस्तों? भुजा क्यूब होता है, तो 8 की क्यूब हमें करनी है और 8 की क्यूब कितनी हो जाएगी? 512। इससे अपन ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल ऐसे अपन इन क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हैं। तो चले अपन अब क्वेश्चन की ओर, उससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें। तो चलो दोस्तों पहला क्वेश्चन बताता हूं। देखो ये, एक घनाकार कमरे की माप 20 मीटर है दोस्तों, मतलब अब की बार जो कमरा वो घनाकार नहीं है, घनाकार है, क्यूबाइड है। और तो इसमें रखे जा सकने वाले बांस की अधिकतम माप क्या होगी दोस्तों? अब आपको पता है कि अधिकतम माप कैसे होगा जब उसको विकर्ण तक रखेंगे। ध्यान रखना कैसे रखेंगे? विकर्ण तक उसको रखेंगे, तो दोस्तों विकर्ण क्या होता है? रूट तीन इंटू भुजा होता है, रूट तीन इंटू भुजा। तो यार रूट तीन और भुजा का मान कितना है? 20 है। तो मेरे प्यार दोस्तों आपको 20√3 मिल सकते हैं, 20√3 कहीं ऑप्शन में नहीं हो। तो रूट तीन का मान दोस्तों क्या होता है? 1.732 होता है, और मैं इसका डबल करूंगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 34-64 आ जाएगा, और कहां पॉइंट लग जाएगा? यहां, ये इसका राइट आंसर होगा, जो आप देख सकते हैं कितना आएगा दोस्तों 34-64, ये 34.64 इसका राइट आंसर है। ध्यान से देखो इसको कि जब आपको ये सीधा सीधा नहीं देता है तो रूट तीन का मान एक बार रख के देखो, क्योंकि एक ऑप्शन ऐसे पॉइंटों में आ रहा था इसलिए रख के देख लो। 1.732 रूट तीन का मान होता है, वो हमने रखा, तो ये इसका राइट आंसर आ गया। कौन सा है? ऑप्शन सी, बिल्कुल राइट आंसर। चलें आगे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, जैसे आपको ये दे दे, एक घन का विकर्ण आपको दे रखा कितना? √12 सेमी। एक घन का विकर्ण आपको दे रखा कितना है? √12 सेमी है।
तो इसका आयतन क्या होगा? देखो ध्यान से, घन का विकर्ण दे रखा आपको रूट 12 सेमी, तो इसका आयतन क्या होगा बताओ आप इसका आंसर। चलो देखो बताता हूं, समझना। घन का विकर्ण क्या होता है दोस्तों? रूट 3 इंटू भुजा होता है। ध्यान से समझना, घन का विकर्ण जो होता है वो रूट 3 इंटू भुजा होता है, जिसका मान आपको दे रखा है रूट 12। तो भुजा बराबर कितना आएगा यहां से? रूट 12 में रूट 3 का भाग देना, तो इसके ऊपर रूट लगा सकते हैं अपन। बात एक ही है दोस्तों, दोनों के ऊपर रूट है, और ये इससे कैंसिल 4 बार, 4 का रूट अपन करेंगे तो दोस्तों कितना आ गया? 2। मतलब भुजा आ गई आपकी 2, भुजा आपकी 2 आ गई, और आपसे परिमाप आयतन पूछा दोस्तों। और आयतन क्या होता है? आयतन होता है भुजा क्यूब। आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है दोस्तों। तो 2 की क्यूब कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना आएगा? 8 आएगा। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। उतार लो इसको अच्छे से उतार लो इस क्वेश्चन को। चलो और बताता हूं, एक क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उतार लिया होगा, चलो तो वीडियो को रोक के भी उतार सकते हो। ये लो एक क्वेश्चन और लो। किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6 सेमी दे रखी है। अब आपको पता है कि दोस्तों घन का विकर्ण क्या होता है? रूट 2 रूट 3 इंटू भुजा होता है, जिसका मान आपको कितना दे रखा है? 6 दे रखा। तो यहां से भुजा कितनी आएगी प्यारे दोस्तों? तो भुजा कितनी आ जाएगी? 6 बटा रूट 3 आ जाएगी। भुजा कितनी आ जाएगी? 6 बटा रूट 3 आ जाएगी। ठीक, अब आपसे पूछा आयतन। आयतन होता है भुजा क्यूब। अब समझने की कोशिश करना, आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है दोस्तों। भुजा क्यूब मतलब ऊपर तो आएगा 6 गुणा 6 गुणा 6, और नीचे आएगा रूट 3 गुणा रूट 3 गुणा रूट 3, क्योंकि दोनों की क्यूब करनी है। अब रूट वाली संख्या को रूट वाली संख्या से गुणा करते हैं तो रूट क्या हो जाता है? हट जाता है दोस्तों। तो रूट 3 को रूट 3 से गुणा करूंगा तो 3 आएगा, और 3 से ये कट जाएगा कितनी बार दोस्तों? 2 बार। अब ऊपर आया 6 6 36 2 72 बटा रूट 3, कहीं नहीं दे रखा। अब क्या कर रहे हैं दोस्तों? अब देखो, अब मेन चीज समझने लायक ये है, समझाता हूं आपको। देखो देखना ध्यान से, अब यहां देखो दोस्तों, ऐसे करो तो ऐसे कर लो, 6 6 36 36 2 72 दोस्तों, 72 बटा रूट 3 आ गया। अब इसमें 72 बटा रूट 3 कहीं नहीं है, तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या अपन इसको देखो 24 या 72 24 × 3 लिख सकते हैं? बटे में रूट 3 आ जाएगा। और आपको पता है कि 3 को रूट 3 लिख सकते हैं, तो ये एक बार कट जाएगा दोस्तों, और ये आ गया 24√3 इसका राइट आंसर। या और कैसे कर सकते हैं? देखो आपका आया 72√3, रूट 3 नीचे ऊपर नीचे आप इसको रूट 3 से गुणा कर दो, क्योंकि ऑप्शन में 72√3 नहीं है, इसलिए कर रहे हैं। ऊपर नीचे रूट 3 से गुणा करूंगा तो रूट 3 को रूट 3 से गुणा करूंगा तो आएगा 3, और 3 से कट जाएगा कितनी बार दोस्तों? 24 बार, और 24√3 इसका राइट आंसर होगा, जो बी ऑप्शन। उतार लो इसको अच्छे से दोस्तों। अब चलते हैं लास्ट, अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो क्या पूछा इसमें, दो घनों के आयतनों का अनुपात आपको दे रखा है 27:1। दो घनों के आयतनों का अनुपात जो दे रखा है वो 27:1 है, तो इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा? सीधा सा क्वेश्चन है दोस्तों कि आयतन होता है भुजा क्यूब। आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। मतलब दोस्तों ये 27 किसकी क्यूब है? तो 27 दोस्तों 3 की क्यूब है, और 1 किसकी क्यूब है? 1 की क्यूब है। तो ये आ गया इनकी भुजाओं का अनुपात कितना? 3:1। तो दोस्तों ये कौन सा ऑप्शन में? पहला अनुपात इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये था आपका, आज हमने पढ़ा है घनाभ और घन पढ़ा है, ये दोनों हमने अच्छे से इस क्लास में पढ़ लिए। कल अपन इसे आगे दोस्तों बेलन शंकु और गोले का आयतन, गोले का वक्र पृष्ठ, सब कल अपन और पढ़ लेंगे, फिर क्षेत्रफल आपका पूरा हो जाएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।